अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्टिंग टू मलिक शाहजैब। और आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल जंप्स इन असेंबली लैंग्वेज इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ये दो जो टॉपिक्स हैं, सीएमपी स्टेटमेंट और फ्लैग्स का जो टॉपिक है, ये इसमें यूज होते हैं, तो इनकी मैंने अलग से वीडियोज बनाई है। फ्लैग्स का टॉपिक हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, पढ़ा था, ठीक है। और सीएमपी स्टेटमेंट अभी दो तीन वीडियोज पहले हमने पढ़ा था, उसका लिंक मैं दोनों वीडियोज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये आपने पहले प्रिपेयर करना है अच्छी तरह, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स कंडीशनल जंप्स के टॉपिक में यूज होते हैं। बात समझ आ गई, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर इस टॉपिक को कवर करना, ओके, तब आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज ये आपको समझ भी नहीं आएगा ये वाला टॉपिक। एनीवेज, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, जो सीएमपी वाली वीडियो थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि ब्रांचिंग क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था जंप क्या होती है, जंप की दो टाइप्स होती है, एक हमने पढ़ा था अनकंडीशनल जंप और एक हमने पढ़ा था कंडीशनल जंप। तो अनकंडीशनल जंप हम पढ़ चुके हैं, वो कौन सी होती है? अनकंडीशनल जंप वो होती है जिसमें जो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यानी विदाउट जंप कंडीशन होती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन प्रोग्राम का जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो चेंज होता है। जबकि कंडीशनल जंप जो कि आज हम पढ़ेंगे, इसमें ये होता है कि प्रोग्राम का फ्लो और जो एग्जीक्यूशन है वो कब चेंज होता है, ऑर्डर उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कब चेंज होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज हो जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होता। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कंडीशन ट्रू है तब जंप लगाई जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो जंप नहीं लगाई जाती। और C++, C लैंग्वेज, जावा या जितनी भी हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको पता है इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, तो असेंबली लैंग्वेज भी तो एक लैंग्वेज है ना, तो इसमें भी तो इफ एल्स कैसे लगाते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो असेंबली लैंग्वेज में जो इफ एल्स होती है उसको हम कंडीशनल जंप्स कहते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल जंप्स के तौर पे हम इफ एल्स लगाएंगे, और उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा जो हम C++ में प्रोग्राम्स करते आए हैं वो हम इफ एल्स असेंबली लैंग्वेज में कंडीशनल जंप्स को यूज करते हुए यहां पे भी सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो बिफोर फर्दर आगे मूव करने से पहले एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ। ये देखो, जो हम इंस्ट्रक्शंस पीछे लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं, मूव ए एक्स बी एक्स, एड ए एक्स बी एक्स या सब्ट्रैक्ट ए एक्स बी एक्स, ये जो इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ते आए हैं, तो ये जो राइट वाला होता है ना इसको हम सोर्स कहते हैं, बात समझ आ गई। और ये जो लेफ्ट वाला होता है ना कोमे से पहले वाला, इसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए अब, ठीक है, जब भी मैं बात करूंगा डेस्टिनेशन की तो आपको पता होना चाहिए कोमे से पहले वाला जो ऑपरेंट है उसको डेस्टिनेशन कहते हैं, कोमे के बाद वाला जो ऑपरेंट है उसको सोर्स कहते हैं, क्लियर है बात। ये मैंने डी और एस रिप्रेजेंट किया, दीज आर डेस्टिनेशन, एस से सोर्स। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सीएमपी का जो टॉपिक है हमने पढ़ा था उसको मैं एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ। सीएमपी की स्टेटमेंट क्या करती है, डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करती है और यू से मतलब अपडेट कर देती है, फ्लैग्स को अपडेट कर देती है, बस इतनी सी बात है। और ये याद रखना, डेस्टिनेशन या सोर्स को अपडेट नहीं करती, चेंज नहीं करती, जबकि सबट्रैक्ट की स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था वो भी डेस्टिनेशन में से सोर्स को सबट्रैक्ट करती है, फ्लैग्स को अपडेट करती है और डेस्टिनेशन को अपडेट कर देती है जो रिजल्ट आता है उससे, ठीक है। एनीवेज, डिटेल में जाने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कहा जाए कि आप एक प्रोग्राम लिखें जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, आपने ये बताना है कि दो नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो C++ में तो हम ऐसे करते थे, वो ग्रेटर देन का निशान डाल के चेक कर लेते थे, अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो सी आउट फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, अगर ये वाला नंबर इससे छोटा है तो ये वाला नंबर, हम इस तरह करके डिस्प्ले करा लेते थे, इफ एल्स की कंडीशन लगा लेते थे। तो इसमें सीएमपी की स्टेटमेंट होती है, या तो हमें चेक करना पड़े कि दो नंबर इक्वल हैं, ठीक है, या इक्वल नहीं है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये अभी मैं आपको करके बताता हूं। तो ये आपके सामने मैंने कुछ कंडीशनल जंप्स लिखी हैं, जे जेड का मतलब होता है जंप If zero flag is one, JC jump if carry flag is one। आपको पता है सारे flags, इसी तरह सारे flags की jump होती है, ऐसे sign flag बनता है, उससे पहले J लगा दे तो वो jump बन जाता है, JS jump if sign flag is one। अब अगर इसके साथ हम N डालें, N का मतलब होता है not, ठीक है, इसका मतलब है jump if sign flag is not one। अगर मैं Z से पहले N डालता हूँ इसके अंदर तो ये बन जाएगा jump if zero flag is not one, JNC jump if carry flag is not one। अब आपको ये पता होना चाहिए कि zero flag one कब होता है, carry flag one कब होता है, sign flag one कब होता है, ये जो मैंने flags वाली वीडियो बनाई थी ना उसके अंदर मैंने यही बताया था, ठीक है। तो ये कुछ important jumps है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसी तरह सारे flags के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन इन सारी जंप्स में से कुछ ऐसी जंप्स हैं, ये वाली जो जंप्स हैं ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी जंप्स हैं जो कि मैंने तो कभी भी यूज नहीं की, इसलिए हम इम्पोर्टेंट जो जंप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जो बार बार हम रिपीट करते हैं, बार बार यूज करते हैं। अब इसी तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जे जेड की, के जंप इफ जीरो फ्लैग इज वन। तो आप देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए एक्स में 5 मूव करते हैं, बी एक्स में 5 मूव करते हैं, और सीएमपी की स्टेटमेंट लगाएंगे ए एक्स माइनस कोमा बी एक्स। तो सीएमपी की स्टेटमेंट आपको क्या, आपको पता है क्या करती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करती है। तो ए एक्स में 5 पड़ा हुआ है, बी एक्स में भी 5 पड़ा हुआ है, 5 में से 5 जाएगा
ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आपको पता है ये सपोज करो ये जीरो फ्लैग है हमारे पास, जो जब आंसर जीरो आता है लास्ट ऑपरेशन में तो जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। ठीक है, अब जब जीरो फ्लैग की वैल्यू वन होगी तो फिर इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा, ये क्या देखेगा, जे जेड मतलब जंप चेक करेगा, जीरो फ्लैग वन के इक्वल तो नहीं है, जीरो फ्लैग देखो वन के इक्वल है ना, जीरो फ्लैग वन के इक्वल है तो वो इस लेबल के ऊपर जंप कर देगा, जिस तरह अनकंडीशनल जंप में लेबल को मैंने एक्सप्लेन किया था, लेबल के ऊपर जंप करा था वो। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 5 की जगह 6 लिखता हूँ, ठीक है, अब ax में 5 bx में 6 पड़ा हुआ है तो इन दोनों को माइनस करेगा, 5 में से 6 गए तो क्या बचता है, माइनस वन, तो माइनस वन आंसर जीरो तो नहीं ना आया, तो जब आंसर जीरो नहीं आता तो जो जीरो फ्लैग होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जंप करेगा अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू वन है, जे जेड का मतलब है जीरो फ्लैग की वैल्यू वन है, अब जे फ्लैग जीरो फ्लैग की वैल्यू वन तो नहीं है, तो वन नहीं है तो इसका मतलब वो इस लेवल के ऊपर अब जंप नहीं करेगा। एनीवेज मैं कहना ये चाहता हूँ कि दो बातें यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो जब जे जेड जब भी हम जंप लगाते हैं, ठीक है, तो उससे पहले सीएमपी की स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो जे जेड होता है जंप होती है ये हमेशा फ्लैग्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, फ्लैग्स को चेक करती है और फिर जंप लगाती है या जंप नहीं लगाती ये उसको देख के करती है। ठीक है, तो इसलिए इक्वेलिटी को चेक करने के लिए जीरो फ्लैग जो यूज हो सकता है, ठीक है, 5 में से 5 गया तो आंसर जीरो आएगा, अगर जीरो आता है तो हम कह सकते हैं कि नंबर्स इक्वल थे। ठीक है, तो इस तरह करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हो, चेक कर सकते हो कि दो नंबर इक्वल है या नहीं, तो जस्ट इस वजह से इक्वेलिटी को चेक हो सकता है। तो जो इंटेल था उसने इस इंस्ट्रक्शन का एक और नाम दे दिया, उसने इसको कहा कि ये इसको आप जेई भी कह सकते हो। ठीक है, जेई का मतलब कि जंप करो इफ बोथ नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि जब जीरो फ्लैग वन होगा, ठीक है, तो वो बोथ नंबर सॉरी जीरो फ्लैग हाँ जब वन होगा तो आंसर जीरो आएगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर जीरो आता है तो दोनों नंबर इक्वल होते हैं ना, इस वजह से जे जेड का इंटेल ने एक और नाम रखा जेई, ये दोनों सेम है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे जे एन जी लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, जे एन ई बन जाएगा, तो ये दो नाम आपको और मिल गए, एक इंस्ट्रक्शन के दो नाम जेई और जे जेड सेम, इसी तरह जे एन जी और जे एन ई दोनों सेम है। इसी तरह जो असेंबली लैंग्वेज में जंप्स हैं, एक जंप के तीन चार नाम भी हो सकते हैं लेकिन काम उसका एक ही है। ठीक है, इस तरह करके उसकी नेमिंग कन्वेंशन की वजह से, मतलब कि वो काम जो कर रहा होता ना उसके लिहाज से इंटेल ने उसका नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि अब वो इक्वल नंबर को टेस्ट कर रहा होता है तो इंटेल ने कहा जेई मतलब जंप करो अगर इक्वल है। ठीक है, इस तरह करके और भी इंस्ट्रक्शंस के नाम होते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। तो बिल्कुल इसी तरह अभी आपने जे जेड लिखा है ना, अब यहाँ पे जे एन जी लिखो तो ये वाली जो जंप होगी वो यूज हो जाएगी, जंप करो अगर जीरो फ्लैग वन नहीं है तो। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो, साइन फ्लैग का मैंने आपको बताया था कि जब आंसर नेगेटिव होता है तो साइन फ्लैग की वैल्यू वन हो जाती है, जब आंसर पॉजिटिव होता है तो साइन फ्लैग की वैल्यू जीरो हो जाती है, ये साइन नंबर के लिए यूज होता है। अब साइन नंबर क्या होते हैं, अनसाइन नंबर क्या होते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में कुछ ऐसी जंप्स होती हैं जो साइन नंबर के लिए यूज होती हैं और कुछ ऐसी जंप्स होती हैं जो अनसाइन नंबर के लिए यूज होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ये साइन नंबर है या अनसाइन नंबर है, तो हमें जंप लगाते वक्त कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये साइन नंबर है और ये अनसाइन नंबर है, तो वो उस लिहाज से कंप्यूटर डील करता है। अगर हम जो है साइन नंबर को अनसाइन नंबर कह देते हैं तो वो गलत तरीके से उसको डील करेगा, आंसर गलत आएगा, इसलिए क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में हम ज्यादा क्लोज कंप्यूटर के साथ डील करते हैं, इस वजह से हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये जंप जो है वो ये नंबर जो है वो साइन है या अनसाइन नंबर्स के लिए। क्लियर है? ओके, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसकी बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स वन इन ax इफ वैल्यू ऑफ ax इज ग्रेटर देन 5, यानी कि ax की आपने वैल्यू चेक करनी है, अगर ax में वैल्यू 5 से ज्यादा पड़ी हुई है तो आपने ax में 1 मूव कर देना है, बस इतना सा प्रोग्राम है। ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटी सी हिंट देना चाहता हूँ, हिंट ये है कि अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है इसका मतलब है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से स्मॉलर है, अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है इसका मतलब है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है। क्लियर? ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या है, इफ वैल्यू ऑफ ए एक्स इज ग्रेटर देन 5, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको पता है जो भी हम असेंबली में प्रोग्राम लिखते हैं उसके ऊपर ये वाली ORG 100 जरूर लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पास AX रजिस्टर के अंदर 5 से ग्रेटर कोई वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, मैंने 6 स्टोर करवा लिया, अब यहाँ पे मैं करता हूँ CMP, चेक करूंगा क्या AX रजिस्टर के अंदर 5 से ग्रेटर वैल्यू पड़ी है या स्मॉलर पड़ी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मूव CMP AX 5,
समझ आ गई बात। तो ये क्या करेगा, एएक्स के साथ कंपेयर करेगा और उसके बाद रजिस्टर्स को अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे रजिस्टर्स को अपडेट करेगा और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाना है, लेबल लगाना है। यहाँ पे हमने जंप करनी है, अपना काम करना है। तो एएक्स में क्या मूव करना है, वन मूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव वन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो तब मूव करना है, अदरवाइज मैंने नहीं करना। तो कंडीशन में मेरा क्या, इफ एएक्स इज ग्रेटर देन फाइव, तो मतलब फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकेंड है, तो ग्रेटर वाली कंडीशन क्या बनती है, मतलब उसकी वैल्यू वन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो साइन फ्लैग इज जीरो, तब ग्रेटर वाली कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे जे एन एस, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ से इसको मिटाते हैं, उलट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जिट, ठीक है, एग्जिट करेंगे और यहाँ पे मैं लेबल बना देता हूँ एग्जिट का। अब क्या होगा, अब एक एक करके जब एग्जीक्यूट होगा, तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ax का बॉक्स बना लिया, एक एक लाइन करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। मूव ax में 6, तो ax में क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ओके। तो उसके बाद cmp ax कोमा 5, आपको पता है cmp स्टेटमेंट क्या करती है, ये हमने s के नाम से एक बॉक्स बनाया साइन फ्लैग का, ठीक है, ओके। ax में हम एक cmp स्टेटमेंट का आपको पता है क्या करती है, ax में से 5 को माइनस कर देगी। तो ax में क्या वैल्यू पड़ी है, 6, 5 को माइनस करेगी तो आंसर क्या आएगा, 1। तो आंसर 1 पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, तो जब आंसर पॉजिटिव आता है तो साइन फ्लैग में क्या वैल्यू आ जाती है, 0 आ जाती है, और जब आंसर नेगेटिव आता है साइन फ्लैग में 1 आ जाता है, इसका आपको पता है, ओके। अब हम जंप लगा रहे हैं नीचे, जे एस एग्जिट, यानी कि जे एस का मतलब है साइन फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो जंप करो एग्जिट के ऊपर। तो अब देखो साइन फ्लैग की वैल्यू 1 तो नहीं है, 0 है ना, 0 है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन चल जाएगी, मूव एएक्स में 5। तो यहां से क्या होगा, यहां से एएक्स 6 खत्म हो जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, समझ आ गई बात। और उसके बाद नीचे एग्जिट होकर ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो क्या कहने का मकसद ये था कि देखो यहां पे ग्रेटर वैल्यू हमने दी थी ना, तो यहां पे 1 आ गया, यही हमारा प्रोग्राम था। अब हम यहां से इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये की है, मैंने 5 से स्मॉलर नंबर इसमें सेव किया है, और मैं चेक करूंगा कि क्या ax के अंदर अभी भी 1 स्टोर होता है। सबसे पहले मूव ax 4, तो इसका क्या मतलब, ax में 4 आ गया, उसके बाद cmp हो रही है, ax का 5 के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो ax में क्या पड़ा हुआ है, 4, और माइनस करें 5 के साथ, तो 4 में से 5 जब हम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। तो जब आंसर माइनस में आता है तो आपको पता है कि साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बात समझ आ गई, ओके। यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद अब जे एस एग्जिट, तो जे एस का मतलब होता है जब साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है, तो साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है ना अभी, तो जब साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है मतलब कंडीशन ट्रू हो गई है। तो क्या होगा, यहां से ये जंप करेगा और एग्जिट ढूंढेगा, एग्जिट कहां पे, ये ना एग्जिट यहां पे आ जाएगा जंप करके। ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी मूव 1 वाली, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो यही हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था कि आपने 1 स्टोर करवाना है ax के अंदर, अगर ax के अंदर 5 से ग्रेटर है नंबर। तो देखो जब स्मॉलर था नंबर तो 1 यहां पे नहीं आया एंड में, क्लियर, फर्स्ट प्रोग्राम, ओके। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स 2 इन bx, यानी bx के अंदर आपने 2 स्टोर करवाने, इफ वैल्यू ऑफ ax इज लेस देन 6, यानी ax में जो वैल्यू पड़ी अगर वो लेस देन 6 तो bx में 2 स्टोर करवा दो, बात खत्म। तो पहले हमने ग्रेटर देन सिखाया, मैंने आपको अब मैं लेस देन चेक करना सिखा रहा हूं। तो ये छोटी सी बात है, हिंट है आपके सामने लिखी है, इसको तो याद रख लो। अगर साइन फ्लैग में 1 है इसका मतलब है पहला नंबर स्मॉलर है, अगर साइन में 1 नहीं है 0 है तो इसका मतलब है पहला नंबर ग्रेटर है, बात ही खत्म। ये हिंट यूज होगी, बड़े काम की चीज है ये। तो अब सबसे पहले हमारा क्या था, हमने चेक किया किसको करना है, ax को चेक करना है, क्या ax में 6 से बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू है। तो उससे पहले मैं ax के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं, मैंने 3 मूव करवा दिया, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूं ax में क्या वैल्यू छोटी है या बड़ी है। तो यहां पे मैंने क्या किया, ax में कंपेयर कर रहा हूं, तो ठीक है 6 के साथ कंपेयर हो जाएगा, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं अगर वैल्यू छोटी है, छोटी है तो आपको पता है आंसर नेगेटिव आता है, तो ऐड वाली लेबल पे चला जाएगा यहां से, ठीक है। अगर वैल्यू मतलब छोटी नहीं है, ठीक है ग्रेटर है वैल्यू, साइन फ्लैग 1 नहीं है तो फिर आंसर पॉजिटिव आएगा, जब पॉजिटिव आता है तो साइन फ्लैग 0 होता है, 1 नहीं होता, तो एग्जिट पे चला देगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसको भी एक एक लाइन करके आपको समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ax में 3 आ जाएगा, ax में आप देख सकते हो 3 आ गया, उसके बाद cmp ax को 6 के साथ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ax में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, 3 में से 6 जब जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -3।
तो आपको पता है जब आंसर माइनस में आता है तो साइन फ्लैग क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो अब देखो साइन फ्लैग वन हो गया, सीएमपी ने अपडेट कर दिया फ्लैग को। उसके बाद तो आप देख सकते हो कि साइन फ्लैग में वन आ गया है। अब देखो जेएस एड हो, अब जेएस ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी, जेएनएस वाली चलेगी, अब जेएस वाली चलेगी। क्यों जेएस वाली चलेगी? क्योंकि साइन फ्लैग जेएस का मतलब होता है साइन फ्लैग में वन पड़ा हुआ है। तो जैन साइन फ्लैग में अगर वन पड़ा हुआ है तो एड पे जंप कर जाओ, तो ये एड पे जंप कर जाएगा आपके सामने, ठीक है, एड में जंप कर जाएगा और जो बीएक्स रजिस्टर होगा उसके अंदर टू आ जाएगा और प्रोग्राम फिर आपका एग्जिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि अगर एएक्स में स्मॉलर वैल्यू पड़ी है तो बीएक्स में टू मूव कर दो। अब हम एएक्स के अंदर सिक्स से ग्रेटर वैल्यू स्टोर करके देखते हैं कि अभी भी बीएक्स के अंदर टू मूव हो। तो आप यहां पे देख सकते हैं, अब मैं ax के अंदर ग्रेटर देन 6 वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं, मूव ax में 7, तो ax में 7 आ जाएगा। उसके बाद कंपेयर होगा, ax में अभी क्या पड़ा हुआ है 7, 7 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो जब 1 आंसर आएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव है 1, नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद js वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी क्योंकि js का मतलब होता है अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो ऐड पे जंप करो, साइन फ्लैग की वैल्यू 1 तो नहीं है तो ये नहीं चलेगी। अब jns का मतलब है अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं है, तो साइन फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं है ना, तो अब क्या करो एग्जिट पे जंप कर दो, तो ये डायरेक्ट एग्जिट पे जंप कर देगा और bx में 2 मूव नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ओके, तो उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट moves 3 in dx, यानी dx रजिस्टर में 3 मूव कर दे, वैल्यू ऑफ ax इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ bx, यानी a और bx में चेक करो सेम वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अगर सेम वैल्यूज पड़ी हैं, अगर वो दोनों इक्वल हैं, तो आप उसके अंदर dx में 3 मूव कर दो। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, इस एक एक लाइन करके मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ इसका। इसके अंदर हमने क्या किया है, jz यूज किया है, जीरो फ्लैग को मूव किया है टेस्ट। तो सबसे पहले हम यहां से कॉपी करते हैं और एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओके, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, अब अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मूव ax में 3, तो 3 आ जाएगा ax में, bx में 3, तो bx में भी 3 आ गया। उसके बाद कंपेयर होंगे, क्या ax में 3 पड़ा हुआ है, bx में भी 3 पड़ा हुआ है, 3 में से 3 क्या क्या आएगा आंसर, 0। तो 0 फ्लैग का आपको पता है, जब आंसर जीरो आता है तो जीरो फ्लैग क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो ये देखो जीरो फ्लैग में वन आ गया, बात समझ आ गई। उसके बाद हम कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इफ जीरो फ्लैग इज वन तो तुम जंप कर जो मूव के ऊपर, तो जीरो फ्लैग में भी क्या पड़ा हुआ है, वन पड़ा हुआ है ना, तो ये मूव के ऊपर जंप कर जाएगा और डीएक्स में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो डीएक्स में 3 आ गया, बात समझ आ गई। और उसके बाद एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। तो कहने का मकसद है, अब दोनों में सेम वैल्यूज होंगी तो जीरो फ्लैग वन हो जाएगा और वन वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, पहले मैंने सेम वैल्यूज रखी थी ना, अब मैं डिफरेंट रख रहा हूँ। ax में 3 आ गया और bx में क्या मूव कर रहा हूँ, 4 मूव कर रहा हूँ, तो ये bx में 4 आ गया। उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं, ax में से bx क्या होगा, माइनस होगा, तो ax में क्या पड़ा हुआ है, 3, और bx में क्या पड़ा हुआ है, 4, तो 3 में से 4 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1। तो आपको पता है जब आंसर माइनस में आता है तो साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, साइन फ्लैग 1 हो गया और जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, जीरो फ्लैग कब 1 होता है, जब आंसर 0 आता है, अभी तो आंसर माइनस 1 आया ना, इसलिए जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 हुई है। उसके बाद हमने कंडीशन क्या लगाई है, अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 है तो मूव पे जंप करो, जीरो फ्लैग की वैल्यू कोई 1 ना, देखो 1 तो नहीं है ना, तो वो ये वाली जंप नहीं लगाएगा। जे एन जी, अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं है तो तुम एग्जिट पे जंप कर जाओ, तो जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 तो नहीं है, तो वो एग्जिट पे जंप कर जाएगा और प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो डीएक्स में 3 आया नहीं है, ठीक है। तो इस तरह करके आप ये भी कह सकते हो कि जो जीरो फ्लैग है ये इक्वेलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। इक्वेलिटी मतलब नंबर्स इक्वल हैं या नहीं, तो आप जे जी की जगह जे ई भी यहां पे लिख सकते हो और जे एन ई भी लिख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं एक इंस्ट्रक्शन के दो सेम नाम है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल जंप्स के बारे में बताया है, ये लेबल्स जंप्स किस तरह करते हैं, बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा बताया, नंबर इक्वल नंबर हो तो इक्वल नंबर को कैसे चेक करते हैं, जे जेड की स्टेटमेंट जंप लगाकर अगर कोई नंबर ग्रेटर है दूसरे से या लेस है वो चेक करना हो, ये मैंने आपको कंडीशनल जंप से सिखा दिया है। अब आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है असाइनमेंट के तौर पे, आपने सॉल्व करना है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है, WAP का मतलब है राइट अ प्रोग्राम दैट सब्ट्रैक्ट्स 1 फ्रॉम AX, यानी AX के अंदर स्टार्ट में आपने कोई भी वैल्यू स्टोर करवा लेनी है जैसे मैंने की है, और फिर आपने सब्ट्रैक्ट की स्टेटमेंट यूज करते हुए AX में से 1 माइनस करना है,
तो जो ax की अगर नई वैल्यू जो आएगी ना उसके ऊपर आपने जंप्स लगानी है। अगर ax की नई वैल्यू जो आती है वो जीरो है तो आपने ax में वन मूव करवा देना है। अगर ax की जो नई वैल्यू हुई है सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो अगर तो वो ग्रेटर देन फाइव है तो आपने टू मूव करवा देना ax में। अगर जो जो नई वैल्यू आई है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो लेस देन फाइव है तो आपने ax में थ्री मूव करवा देना है। बात समझ आ गई? तो याद रहे कि इसके अंदर आपने सबसे ऊपर सब्ट्रैक्ट की स्टेटमेंट यूज करनी है और उसके नीचे जब जंप्स लगाओगे ना उसके लिए CMP की स्टेटमेंट आपने यूज करनी है। एनीवेज कोई क्यूरी हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? और मैंने आपको कोशिश की है कि थोड़ा लिमिटेड रख के समझाऊं। ये अगर आपको समझ आ गई ना, जो दो ही मैंने अभी आपको जंप्स JZ और JS की एग्जांपल दी है, ये आपको समझ आ गई, सारी समझ आ जाएंगी आपको, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी है इसकी। तो जैसे जैसे हम आगे असेंबली पढ़ते जाएंगे इसमें और तरह की भी जंप्स आती रहेंगी, साथ साथ मैं आपको वो भी सिखाता रहूंगा। इसी तरह लूप्स जो लगाते हैं उसके अंदर जंप्स यूज होती हैं, उसके अंदर भी आपको कंडीशनल जंप सिखाऊंगा। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसके अंदर कंडीशनल जंप यूज नहीं होगी, ठीक है? तो ढेर सारी एग्जाम्पल्स होंगी फ्यूचर में, हम हर तरह की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।